नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। मैं हूं प्रणव। आए दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के कई किस्से सामने आते हैं, इसीलिए अनजान लिंक वगैरह पर क्लिक करने का मतलब है अपने पैसों से हाथ धोना। और बैंक आपको कभी भी ऐसे मैसेजेस नहीं भेजते, वे मैसेजेस भेजकर आपके पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगते। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज मिले जिसमें उनसे कहा गया कि उनका SBI योनो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है और उसे रीएक्टिवेट करने के लिए उन्हें अपना पैन अपडेट कराना होगा। इसके साथ एक लिंक भी दिया गया। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिला है तो जान लें कि यह मैसेज फेक है। SBI ने अपने कस्टमर्स को ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा है। सरकारी सूचना एजेंसी PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेकर PIB फैक्ट चेकर ने SBI कस्टमर्स को इस फेक मैसेज को लेकर आगाह किया है। PIB ने साथ ही कस्टमर से इस तरह के SMS या ईमेल का जवाब न देने की भी अपील की है। PIB ने कस्टमर से इस तरह के मैसेजेस या ईमेल की शिकायत भी करने को कहा है। इसके लिए customers.report.phishing@sbi.co.in पर ईमेल कर सकते हैं या SBI के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। RBI के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक कस्टमर्स को ऑनलाइन ठगी में 179 करोड़ रुपए की चपत लगी। इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में साइबर ठगों ने लोगों के 216 करोड़ रुपए उड़ा लिए थे। वहीं हाल फिलहाल पैन कार्ड से जुड़ी ठगी भी सामने आई है। कई लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स चोरी कर उनके नाम पर लोन लिए गए और उन्हें इसका पता बाद में लगा। इसीलिए पैन कार्ड के डिटेल्स शेयर करते समय आप ध्यान रखें। एक और जरूरी बात, पैन कार्ड का इस्तेमाल आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर ना करें क्योंकि पैन कार्ड की फोटो स्टेट कॉपी का भी मिसयूज यानी दुरुपयोग हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये खबर आपके काम की साबित होगी। काम की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।